जय हिंद फ्रेंड, मैं मोहम्मद काशिफ बायोलॉजी एमके में आपका खैर मकदम करता हूँ। आज हमारा टॉपिक है ट्रांसलेशन यानी अनुवादन, डीएनए ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशन क्या होता है, जैसे कि हमें यहाँ पर पता है कि डीएनए से आरएनए बनता है, यानी डीएनए से आरएनए बनने की जो प्रक्रिया है, जो प्रोसेस है, उसको हम क्या कहते हैं, ट्रांसक्रिप्शन हमने पढ़ा दिया यानी अनुलेखन। अब आरएनए से प्रोटीन का बनना ही क्या कहलाता है, अनुवादन कहलाता है यानी ट्रांसलेशन कहलाता है। और ये जो क्रिया होती है कहाँ होती है, न्यूक्लियस में होती है यानी केंद्रक में होती है। तो सबसे पहले हम यहाँ देखते बात करते हैं कि डीएनए से आरएनए बना, आरएनए से प्रोटीन, ठीक है। अब यहाँ पर बात करते हैं कि आरएनए तीन प्रकार के होते हैं, ये हमने पहले पढ़ा दिया आपको। आरआरएनए यानी राइबोसोमल आरएनए, एमआरएनए यानी मैसेंजर आरएनए संदेशवाहक, और टीआरएनए यानी ट्रांसफर आरएनए स्थानांतरित आरएनए, ठीक है। इसके बाद आरएनए का काम क्या होता है, ठीक है, क्या प्रोटीन सिंथेसिस है इनका काम, और ये एंजाइम के रूप में भी काम करता है। एमआरएनए क्या है, कोडॉन बनाता है, जैसे कि एयूजी एग्जांपल के तौर पर, जैसे हम बोलते हैं प्रारंभन कोडॉन। और टीआरएनए क्या करता है, ये एंटीकोडॉन बनाता है। जो एमआरएनए कोडॉन बनाता है उसी का ये एंटीकोडॉन बनाता है यानी उल्टा कोडॉन बनाता है, प्रति कोडॉन भी कहते हैं इसे और एंटीकोडॉन भी कहते हैं। अब इसके लिए तो ये क्रिया कहां पर होती है, केंद्रक में होती है, न्यूक्लियस में होती है। और उसके बाद ये जितने भी यहाँ पर ये प्रोसेस है वो कहाँ पर आ जाती है, कोशिका के साइटोप्लाज्म में, यानी केंद्रक झिल्ली को फाड़ कर ये कहाँ जाती है, साइटोप्लाज्म में आ जाती है यानी कोशिका द्रव्य में। और इसमें क्या पड़े होते हैं आपके, ये इनएक्टिव न्यूक्लिक अम्ल पड़े होते हैं। 20 प्रकार के होते हैं न्यूक्लिक अम्ल, जैसे वैलिन, मैथियोनिन, ठीक है, एनालिन, तो ये सारे न्यूक्लिक अम्ल इसमें पड़े होते हैं इनएक्टिव यानी निष्क्रिय। तो इन निष्क्रिय अमीनो अम्ल में एंजाइम जुड़ जाता है। अब एंजाइम जो, ये जो आपके राइबोसोम्स होते हैं ये दो प्रकार के होते हैं, यूकैरियोटिक सेल्स में 80s प्रकार के होते हैं, प्रोकैरियोटिक सेल्स में कितने होते हैं, 70s प्रकार के होते हैं। तो हम बात कर रहे हैं यूकैरियोटिक सेल्स की, मानव की, तो यहाँ पर यूकैरियोटिक सेल्स इसकी दो सब यूनिट में ही बटे होते हैं, एक सब यूनिट 50 की और एक 60 की, ठीक है, इसी को हम देखेंगे आगे। अब यहाँ पर कोई सा भी जो अम्ल है हमारा उससे आरएनए जुड़ जाता है यहाँ पर, जैसे अब और देखें यहाँ पर अमीनो अम्ल, एटीपी और एंजाइम, ये तीनों मिलकर यानी अमीनो अम्ल, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट और एंजाइम मिलकर ये बनाते हैं, कॉम्प्लेक्स बनाते हैं जिसका नाम है अमीनो अम्ल प्लस एएमपी यानी एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट और एंजाइम, और फॉस्फेट समूह इसमें से जुड़ जाता है, फॉस्फेट मूलक इसमें जुड़ जाता है। तो ये कॉम्प्लेक्स बनाता है, समूह बनाता है, और यही समूह अमीनो अम्ल को क्या करता है, चार्ज करता है, यानी अमीनो अम्ल से जुड़ जाता है ये समूह। जैसे कि यहाँ पर ये मैट है या वैलिन है, मैथियोनिन है, इनसे जुड़ जाता है और इस अमीनो अम्ल को क्या करता है, ये चार्ज करता है, जिसे हम क्या बोलते हैं, चार्ज टीआरएनए के नाम से जानते हैं। देखिए यहाँ पर अब टीआरएनए की संरचना कैसी होती है, होता तो ये सिंगल हेलिक्स ही है, सिंगल हेलिक्स यानी एक कुंडल होता है, लेकिन ये होता क्या है कि ये 5 डैश से और 3 डैश के बीच में होता है, ये 5 डैश है और ये 3 डैश, ठीक है। इसकी संरचना थोड़ी सी देख लें कि इसका ये वाला जो लूप है, 4 लूप होते हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड और फोर्थ, तो पहले वाले लूप से एंजाइम जुड़ता है और इसको चार्ज करता है, यानी ये चार्ज टीआरएनए कहलाता है एंजाइम जुड़ने के बाद। इसके बाद फिर इसका ये जो लूप है ये एंटीकोडॉन बनाता है, एंटीकोडॉन ये वाला लूप बनाता है, नीचे वाला लूप, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और वो एंटीकोडॉन कैसे कैसे बनते हैं, हम अगला प्रोसेस देखते हैं। हम यहाँ पर देखिए, देखिए 5 डैश से और 3 डैश के बीच में ये एक कुंडल है, और इसमें सबसे पहला पॉइंट मुझे बताया था कि अमीनो अम्ल का एक्टिवेशन, तो अमीनो अम्ल का एक्टिवेशन तो यहाँ पर हो गया एंजाइम जुड़ने के बाद, कॉम्प्लेक्स एंजाइम जुड़ने के बाद ये अमीनो अम्ल का एक्टिवेशन हो गया। अब चार्ज टीएनए का बनना, तो चार्ज टीएनए मैंने मैं आपको बता दिया कि टीएनए से जब ये जुड़ेगा अम्ल और एंजाइम, इस टीएनए से जब जुड़ता है तो ये टीआरएनए क्या कहलाता है, चार्ज टीआरएनए कहलाता है, ये भी हो गया। इसके बाद एमआरएनए
प्लस राइबोसोम, राइबोसोम पहले स्मॉल यूनिट का जुड़ना, यानी ये जो कुंडल है हमारा इसका अंतिम, यानी अंतिम जो कोडान है वो क्या है, UAA, और भी है वैसे तो UGA भी है, UAG भी है, UAA, UGA और UAG, तीन समारंभ कोडान है, अंतिम कोडान है जो किसी भी न्यूक्लिक अम्ल को कोड नहीं करते। तो वो हमने कहां पर लिखेंगे, यहां पर लिखना है, हर जगह में यहां पर लिखना है। और हम सबसे पहले छोटी सब यूनिट को लेते हैं, ठीक है, 50 छोटी सब यूनिट को लेते हैं, और यहाँ पर तीन हमें ये चीज दिखानी है आपको, ये तीन इमारत जैसी संरचनाएं दिखानी है, जिसमें पहली है ई, पी और ए, ठीक है, ए फॉर एक्सेप्टर, पी फॉर पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला और ई फॉर एक्सिएटर, यानी आओ पाओ और निकल जाओ। तो सबसे पहला जो यहाँ पर कोडॉन जुड़ेगा एमआरएनए पर, मैंने बताया प्रारंभ में कौन सा जुड़ता है, एयूजी, ठीक है, जो मैट को, मैट अमीनो अम्ल को कोड करता है। तो यहां पर देखिए इसको जोड़ा हमने कहां पर, पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला पर, यहां पर ये जोड़ा और इसका क्या, एयूजी। तो एयूजी का जो टीआरएनए ने कौन सा एंटीकोडन बनाया, यूएसी, यूएसी देखिए, ए का उल्टा यू, यू का उल्टा ए और जी का उल्टा सी, ये इसका एंटीकोडन हो गया, यहां पर जोड़ा हमारा पी वाले पोर्शन पर, पॉलीपेप्टाइड पर, और इसकी ये किसको कोड करता है, मैट को कोड करता है, न्यूक्लिक अम्ल को। इसी तरीके से फिर इसके अगले वाले में ए जी यू, कोई सा भी हम ले सकते हैं यहाँ पर, कोई सा भी कोडॉन ले सकते हैं यहाँ पर, और लेकिन उसका कोडॉन प्रति कोडॉन भी हमें देखना पड़ेगा। जैसे ए जी यू है तो ए का उल्टा यू हो गया, जी का उल्टा सी हो गया और यू का उल्टा ए हो गया, एंटीकोडॉन जो कौन बनाता है, टीआरएनए बनाता है, यहां पर हो गया। अब इसके देखो, इसको ये कोडॉन किसको देख रहा है, मैट को, अमीनो अम्ल को, और ये किसको देख रहा है, एसईआर यानी सेरीन, न्यूक्लिक अम्ल को कोड कर रहा है। और बीच में ये आपस में क्या हो जाते हैं, जुड़ जाते हैं, किससे, एंजाइम से, जो कौन जुड़ रहा है, आरआरएनए, आरआरएनए एंजाइम की तरह काम करता है और इन दोनों न्यूक्लिक अम्ल को ये जोड़ने का कार्य करता है। जैसे ये न्यूक्लिक अम्ल जुड़ जाते हैं तो यहां पर ये हट जाता है, यानी केवल इसी से जुड़ा रहता है ये, यहां पर जैसे ही जुड़ता है, दोनों अमीनो अम्ल जुड़ते हैं तो ये इससे अलग हो जाता है, पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला से ये अलग हो जाता है। इसके बाद फिर ये श्रृंखला और आगे चलती है, यानी यही चीज फिर और आगे चलती है, एयूजी हो गया, एजीयू हो गया। अब इसके अगला वाला हम कोडान लेते हैं इसी कुंडल पर, यानी एमआरएनए पर, अगला लेते हैं एएजी, और इसका एंटीकोडान है क्या, यू यू सी, यानी ए का उल्टा यू, ए का उल्टा यू और जी का उल्टा क्या होता है, सी, यानी ग्वानिन क्या होता है, साइटोसिन। अब यहां पर फिर यहां पर क्या कहते हैं, जैसे कि हमने पहले क्या कहा था कि पहले ए पे था सेरीन, अब ये किस पर आ गया, ये अगले वाले पॉइंट पर आ गया, यानी पी पर आ गया, पॉलीपेप्टाइड पर आ गया सेरीन। और इसका जो ये एक्सेप्टर जो था, ये एक न्यूक्लिक अम्ल को यहां पर और जोड़ देगा, लाइसिन, ठीक है, लाइसिन जोड़ देगा। और यहां पर फिर ये एंजाइम फिर जुड़ जाएगा, एंजाइम जुड़ने के बाद फिर यहां पर ये इस पॉलीपेप्टाइड से ये बॉन्ड को तोड़ देगा, श्रृंखला को, और ये क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा, पॉलीपेप्टाइड से क्या हो जाएगा, ये अलग हो जाएगा। इसके बाद तो इसी तरीके से आगे ये चलता रहता है, और जब ये अंतिम कोडान यूएए पे आता है, जिसे हम समारंभन कोडान भी कहते हैं, तो क्योंकि ये भी, ये किसी भी न्यूक्लिक अम्ल को कोड नहीं करता, इसलिए यहां पर कोई भी न्यूक्लिक अम्ल देखिए दिखाई नहीं दे रहा, कोई भी न्यूक्लिक अम्ल नहीं जुड़ेगा। न्यूक्लिक अम्ल किससे जुड़ा हुआ है आपका, पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला से जुड़ा हुआ है। देखिए जैसे कि यहां पर ये वैलिन, एलानिन, थ्योरीन, वैलिन, लाइसिन, सेरीन, ठीक है, और मेट्योरीन, तो ये इसी से जुड़ेगा और ये चीज यहां पर आपसी हटती रहेगी। तो इस तरीके से एक ये श्रृंखला सी बन जाती है, अमीनो अम्ल की एक श्रृंखला बन जाती है, जो कि क्या कहते हैं आपको यहां पर दिखाई दे रही, जो कि एक दूसरे से जुड़ी रहती है, और इसी को हम क्या कहते हैं, प्रोटीन कहते हैं, ठीक है, इसी को हम क्या कहते हैं, प्रोटीन कहते हैं। यानी
आरएनए से प्रोटीन का बनना ही क्या कहलाता है, ट्रांसलेशन कहलाता है, यानी अनुवादन कहलाता है। और इसके ये पॉइंट और देख लें, तो मैंने आपको समझा दिया। इनिशिएशन में मैंने बताया अमीनो अम्ल का एक्टिवेशन, इसके बाद चार्ज डीएनए का बनना जो कि मैंने यहाँ पर दिखाया, इसके बाद एमआरएनए और राइबोसोम की पहले स्मॉल सब यूनिट का जुड़ना, तो ये स्मॉल सब यूनिट से जुड़ेंगे, यहाँ पर एंटीकोडोन ये जुड़ेंगे स्मॉल सब यूनिट से जुड़ेंगे। इसके बाद एमआरएनए एयूजी मैंने आपको बताई दिया प्रारंभन कोडान है, और टीआरएनए जुड़ा मैट से, ठीक है, मैट से जुड़ने के बाद इसका एंटीकोडोन बनाया। राइबोसोम्स के बड़े सब यूनिट का जुड़ना, ये राइबोसोम्स का बड़ा सब यूनिट है जहां पर आपको एक्सेप्टर पॉलीपेप्टाइड और एक्सिएटर ये तीन पॉइंट आपको दिखाई दे रहे हैं। तो ये किससे जुड़े हुए हैं, राइबोसोम्स के बड़े सब यूनिट से। इसके बाद फिर अमीनो अम्ल के बीच में यानी इलोगेशन, इनोगेशन में क्या होता है कि अमीनो अम्ल के बीच पॉलीपेप्टाइड बंद बन जाता है, यहां पर ये बंद बन जाता है, आपस में ये जो अमीनो अम्ल है ये एक बॉन्ड से जुड़ जाते हैं, जिसको जोड़ने का काम करता है आरआरएनए, यानी एंजाइम के रूप में ये भाग लेता है। इसके बाद टर्मिनेशन में यानी समारंभ में, इसमें क्या होता है, जब मैंने बताया कि तीन कोड होते हैं हमारे, कोडोन होते हैं, अंतिम कोडोन यूएए यूएजी और यूजीए, तो यहाँ पर हम कोई भी एक ये अंतिम कोडोन यहाँ पर ले लेते हैं लास्ट में। तो अंतिम कोडोन पे जाके ही ये श्रृंखला टूट जाती है, और जो भी हमें ये श्रृंखला से जुड़े हुए जो अमीनो अम्ल होते हैं उन्हीं को हम क्या कहते हैं, प्रोटीन कहते हैं, ठीक। अब ये वीडियो आपको कैसी लगी, अगर अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और हमारे चैनल बायोलॉजी एमके को सब्सक्राइब कीजिए। शुक्रिया।